हम लोगों ने कभी कोई डिवीजन पॉलिटिक्स नहीं करते। हम लोग हर धर्म पे जाते हैं, हर कर्म पे जाता है कि हम कहते हैं कि धर्म अपना अपना सबका, अपना अपना सबको धर्म होता है। आप अच्छा से पालन करो, कोई एतराज नहीं है हम लोगों को। हर धर्म को हम श्रद्धा करते हैं, लेकिन फेस्टिवल जब होता है, मेला जब होता है, ये हर इंसान के लिए होता है, हर आदमी के लिए होता है। जब दुर्गा पूजा बंगाल में होता है, पूरा बाहर से बहुत सारे आदमी इंक्लूडिंग द वर्ल्ड लोगों ने आते हैं, और इतना बड़ा प्रोग्राम होता है कि यूनेस्को हमको हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर किया। मैं गंगा सागर को बारे में त्रिवेदी जी बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बोलने के लिए, मैं बताने के लिए बोलने चाहूँगी। चार पांच दफे हम लेटर लिखा, सबको साथ बात किया, काफ़ी सेंट्रल मिनिस्टर का साथ बात किया, बहुत दफे मांग किया, लेटर लिखा, बात किया, मांग किया कि कुंभ को आप जैसे जातियों मेला बोला है, और सारे मेले हैं, बहुत सारे मेले को आप रुपया देते हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, खाली गंगा सागर मेला है जिसमें आप लोग एक पैसा भी नहीं देते हैं मदद करने के लिए। मैं जब पहले यूथ आंदोलन करते थे, मैं देखते थे इधर मेरे जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थे वो टैक्स लेते थे, जो टूरिस्ट जाते थे, ये लोगों ने मेरे को हर दफे बोला कि हमारा पास टैक्स भी लेता है, हम जब मेला विजिट करने आते थे, तब से मैंने ठीक किया था। हमारा सरकार आने का पहले जब हमारा जिला परिषद जीता, तो मैंने हर आदमी को बोला टैक्स मुकुब कर दो, और दूसरी बात है कि जितना लोग गंगा सागर मेला में जाएंगे 8 से 9 से 15 तक, 9 to 15 इज कवर्ड, 9 से 16 तक अगर किसी को कोई दुर्घटना में मर जाए और कुछ हो जाए, हम नहीं चाहते हैं कुछ हो, अगर हो जाए तो हर परिवार के लिए, हर इंसान के लिए हम 5 लाख रुपया करके हम लाइफ इंश्योरेंस, हम इंश्योरेंस करके रखा। बांग्लार आवाज, बांगालीर आवेग, जी 24 घंटा।